उत्तराखंड के हरिद्वार में प्रजापति समाज ने संकल्प यात्रा निकाली। इस संकल्प यात्रा का उद्देश्य बताते हुए प्रजापति समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष दारा सिंह ने कहा कि ना तो लोकसभा में और ना ही राज्यसभा में हमारे समाज का कोई प्रतिनिधि है। हम चाहते हैं कि राजनीतिक क्षेत्र में हमारे समाज के लोग आगे आए। हरिद्वार से नरेश तोमर की रिपोर्ट। हवन करके संकल्प ले रहा है प्रजापति समाज कि हमारी हिस्सेदारी के लिए, हमने राजनीतिक हिस्सेदारी के लिए हम निकल पड़े हैं और लगातार हम 4 से 5 दिन चलेंगे। दिल्ली बॉर्डर पर पहुंच जाएंगे 29 तारीख में और 1 तारीख को जंतर मंतर के लिए तैयारी है। पूरे जितना भी प्रजापति समाज जीता हिंदुस्तान में, मैं सभी से आगाज करता हूँ कि आप अपने बच्चों के लिए घरों से निकल जाए। मेरा आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि आज नहीं निकले तो फिर कभी निकल। हम पूछना चाहते हैं इस देश के प्रधानमंत्री से कि प्रजापति समाज जिसकी जनसंख्या इतनी भारी है, हिस्सेदारी लगभग 0 है। आज जो हम हरिद्वार से ये पद यात्रा लेकर चले हैं, हम सरकार से ये मांग करते हैं कि जो प्रजापति समाज सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक रूप से पिछड़ा है, उसको राजनीतिक हिस्सेदारी चाहिए। पढ़ाई लिखाई और जो राजनीतिक अधिकार संविधान की धारा 340 और 341 में समानता का है, वो हमें अधिकार के लिए आज हम जंतर मंतर आज से इस यात्रा को इस VIP हरिद्वार गेट 8 से हम शुरू करेंगे और मांग करते हैं और करते रहेंगे जब तक राजनीतिक हिस्सेदारी नहीं मिलेगी।